हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें इस वक्त हम दीपेंद्र हुड्डा जी के निवास पर पहुंचे हैं, साथ में आप देखिए लखन सिंगला जी हैं। बहुत सारे फैदाबाद के मुद्दों को जानने के लिए पहुंचे हैं और वहां देखिए तमाम जितने भी देख रहे हैं कांग्रेस के कई सारे नेता हैं, कई सारे लोग हैं, कई सारे कार्यकर्ता हैं, आज दीपेंद्र हुड्डा जी के पास पहुंचे हैं। सांसद हैं और बड़े कद्दावर नेता हरियाणा के माने जाते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी के बेटे भी हैं। ये देखिए दीपेंद्र हुड्डा जी से कोशिश करेंगे जानने की, कोशिश करेंगे फैदाबाद की राजनीति पर, हरियाणा की राजनीति पर और आज जो बवाल चल रहा है उस पर कोशिश करेंगे तमाम। देखिए अभी कोशिश की है इस वक्त आप जितने भी लोग हैं फैदाबाद के लोग, जितने भी आप हमारे साथ जुड़े हैं कोशिश कीजिएगा इस वक्त हम और भी मुद्दे आपको आज पूछेंगे और दीपेंद्र हुड्डा जी से ही जानने की कोशिश करेंगे। देखिए स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर शहर में एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, उसको इनविटेशन देने के लिए पहुंचे हैं लखन सिंगला जी, तो कोशिश करेंगे। दरअसल क्या है कि बहुत प्राचीन 300 साल पुराना मंदिर है पथवारी मंदिर, पथवारी मंदिर का पंखा मेला लगता है 11 अगस्त को लग रहा है, उसका इनविटेशन देने के लिए पहुंचे हैं लखन सिंगला जी, पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर दीपेंद्र हुड्डा होंगे। और उसमें ये देखिए कोशिश की जा रही है क्योंकि इस वक्त आपको बता दूं लखन सिंगला जी की पूरी टीम ने पथवारी मंदिर का या फिर जो पंखा मेला उठाया है और जिसमें कई सारे लोग इस वक्त मौके मौजूद हैं, इसमें लगातार ये है कोशिश करेंगे इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त क्या कहते हैं और कई सारे मुद्दे जो आज शहर में चल रहे हैं उसको लेकर आज क्या शहर की राजनीति है उसको लेकर भी जानने की कोशिश करते हैं। खुद ही कहा उन्होंने। अच्छा भाई साहब, इसमें 60 उद्योगपतियों को मंच में सम्मानित करना है, आरपीएस ग्रुप के, ओमएक्स ग्रुप के सब है, अग्रवाल सभा का प्रधान हमारा और ये सारे ठीक है। तो कोशिश करेंगे इस वक्त आपको बता दूं यहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता है लखन सिंगला, वो आपको इस वक्त आपको बता दूं इनवाइट कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी को। इस वक्त कोशिश करेंगे हम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त कि फैदाबाद के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर भी हम बातचीत करेंगे इस वक्त। आप ये देख लें तमाम जितने भी लोग हैं, पंखा मेला शुरू होने वाला है, फैदाबाद का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, बैंड बाजों के साथ देश भर के बैंड बाजे आते हैं। पंखा मेला पथवारी मंदिर का मुख्य मेला माना जाता है, पथवारी मंदिर मतलब ओल्ड फैदाबाद जो प्राचीन मंदिर है 300 साल पुराना है, इसको लेकर यहाँ पर आज उन्हें इनविटेशन देने पहुंचे हैं। कोशिश करेंगे दीपेंद्र हुड्डा जी से जानने की कोशिश करेंगे क्या कहते हैं। मिठाई खिलाकर देखिए आप, मिठाई खिलाकर आप इनवाइट करने की कोशिश की जा रही है, खुशी बांटी जा रही है, कोशिश करते हैं जानने की कोशिश करते हैं इस वक्त क्या कहना चाहेंगे दीपेंद्र हुड्डा जी। उसमें जितने भी वो है थोड़ा जितने अपने लड़ेंगे पार्टी सिंबल पे लड़ेंगे, लेकिन उसमें सबकी मदद करनी है, जिम्मेदारी सबकी आपकी होगी इलेक्शन में। दीपेंद्र जी, दीपेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप फैदाबाद के तमाम नेता हैं जो पहुंचे हैं इस वक्त, पंखा मेला शुरू होने वाला है, पंखा मेला के लिए इनवाइट करना है, बड़ा मेला है, फैदाबाद का प्राचीन मंदिर है, मुख्यता है ये फरीदाबाद का एक मुख्य मेला माना जाता है। इसमें फरीदाबाद के हर कोने से छत्तीसगढ़ बिरादरी के लोग इसमें शामिल होते हैं, पहले भी पूर्व में भी मेरे को कई बार उसमें शामिल रहने का अवसर मिला और जो निमंत्रण दिया है पूरी पंखा मेला कमेटी ने लखन सिंगला जी की अगुवाई में जो ये आज निमंत्रण दिया है, मैं सहर्ष इसको स्वीकार करता हूं और आएंगे। ये मैं समझता हूं कि फरीदाबाद की एक सामाजिक स्तंभ है, सामाजिक व्यवस्था की जो पंखा मेला है। सर अब क्या कहना चाहेंगे इस पर भी जो आज के टाइम चल रहा है इस समय, आप समझे इस बात को कि संसद में हम महंगाई उठाना चाह रहे हैं, महंगाई और GST जो बढ़ाया हर खाद्य पदार्थ पे, यहाँ तक कि दूध दही रोटी पे भी GST लगा दी, ये हम चर्चा करना चाहते हैं कि भाई क्या जरूरत थी इतनी महंगाई बढ़ाने की, गैस के सेंटर को 1000 से ऊपर करने की जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी कीमत काफ़ी कम हो गई, तो क्या अर्थव्यवस्था कितनी इतनी फेल हो गई है कि उसके बावजूद आप इतनी महंगाई जनता पे डाल रहे हैं, तो ये हम चर्चा करना चाहते हैं। सरकार कह रही इस पर चर्चा ना हो, इस पर चर्चा हो कि सरकार के इतने अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वो हम विपक्ष क्यों हैं, कम से कम चर्चा हो, उनके पास बहुमत है, कोई हम कोई बिल तो बना नहीं सकते। अगर हमारे देश में चर्चा ही नहीं होगी और चर्चा करने जाते हैं हमें उठा के, कल भी संसद चलती रही और हमें पुलिस हिरासत में लेके पुलिस लाइन में रख लिया गया, तो सांसदों को अगर पुलिस लाइन में भेजना है तो फिर ये संसद का नया भवन का निर्माण क्यों किया जा रहा है। मतलब हर बात पर कोई मुद्दा उठाओ, मतलब कुछ भी मुद्दा उठाओ विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप बताओ ये नया जो संसद का भवन है इसमें कौन बैठेगा। सर एक और चीज़, वही जो ईडी के छापे चल रहे हैं फैदाबाद में, आज इनकम टैक्स के छापे चल रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं की भावना से कार्रवाई करने में विश्वास रखती है सरकार। और आटी साहब ठीक हो? तो तमाम जितने भी आप सोच रहे हैं कोशिश करेंगे इस वक्त और जाने की कोशिश करेंगे लखन सिंगला जी से भी, आके यहाँ जितने भी
क्या कहना चाहेंगे, वो आज बातचीत कर रहे हैं तब तक, लखन जी तब तक बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज दीपेंद्र हुड्डा जी को इनवाइट करने पहुंचे? ये रक्षाबंधन का मेला हजारों साल से निकल रहा है, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम होते हुए आए थे दो बार, दीपेंद्र जी भी पहले दो बार आ लिए इसमें, और इसमें पहले हरियाणा के कई सीएम आ चुके हैं, और बहुत बड़ा मेला 3.5 किलोमीटर लंबा मेला है, और इसमें दीपेंद्र हुड्डा जी पहले भी दो बार आए, बहुत बड़ा मेला, इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, पूरी पंखा कमेटी हमारी इस मेले के अंदर आई है कार्ड देने के लिए, इनवाइट करने के लिए, शहर की शान है ये मेला। नहीं, बात सही है कि शहर की शान है, क्योंकि लगातार पूरे फैदाबाद का चक्कर काटते हुए आपको बता दूं पथवारी मंदिर पे पंखा मेला पहुंचता है, कई सारे बैंड बाजों के साथ, बैंड बाजा जो आते हैं देश भर से, कई सारे बैंड बाजे बाजे आते हैं, बैंड आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कलाबाजी करते हैं वहाँ पर, कोशिश करते हैं, झांकियाँ निकाली जाती हैं, और काफ़ी लंबा किलोमीटर लंबा ये पंखा मेला निकाला जाता है। अगर लोगों ने नहीं देखा तो देखिएगा जरूर, क्योंकि 11 अगस्त को हो रहा है, इसी को मुख्य अतिथि के तौर पर दीपेंद्र हुड्डा जी को इनवाइट करने पहुंचे हैं, लखन सिंगला उनकी पूरी टीम पहुंची है, कोशिश करेंगे अब ये और जाने की कोशिश करते हैं क्या कहना है, क्योंकि इस वक्त आपको बता दूं संसद चल रहा है, सत्र चल रहा है, तो सत्र में दीपेंद्र हुड्डा जी को पहुंचना है, सत्र चालू हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कम है, लेकिन अब इस वक्त और जाने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहेंगे। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे, आज पहुंचे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी के पास यहाँ पर। दीपेंद्र हुड्डा जी को ये प्राचीन मेला है जो पंखा मेला है, ये काफी लंबे समय से मतलब सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, इस प्राचीन मेले के लिए यहाँ के जो लखन सिंगला जी के नेतृत्व में सारे और अपने शिव शंकर भारद्वाज जी हैं और सभी मतलब सीनियर नेता हैं जो इस पंखा कमेटी के कमेटी है, सभी लोग यहाँ पर अपने दीपेंद्र माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इन्विटेशन देने के लिए आए। कब है मेला? 11 अगस्त को। हाँ, 11 तारीख को। अच्छा, बहुत ही धूमधाम से इस मेले को बनाया जाएगा। क्या खास रहेगा 11 इसमें? इस मेले में हम लोग अच्छे से तैयारी करके चल रहे हैं, काफी सारे बैंड होंगे, 14-15 बैंड्स होंगे और 20 से 22 करीब करीब झांकी होंगी। फरीदाबाद में सभी हमारे बड़े लीडर्स होंगे फरीदाबाद के, कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचेंगे मुख्य अतिथि के तौर पे, और जितने भी हमारे फरीदाबाद के कांग्रेसी जन है वो सारे लोग वहाँ पहुंचेंगे। तो चलिए अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त पूरी टीम लखन सिंगला जी की पूरी टीम इस वक्त फैदाबाद से दीपेंद्र हुड्डा जी के पास पहुंची, लेकिन एक बात दीपेंद्र हुड्डा जी जाते जाते बोल गए, जो आज शहर भर में कार्रवाई चल रही है, टैक्स इनकम टैक्स की छापेमारी की जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर उन्होंने साफ साफ बड़ा बयान दिया है। सर एक मिनट, सर बड़ा बयान दिया है कि सरकार बदले की भावना से लगातार कार्रवाई कर रही है, चाहे संसद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आज फैदाबाद में जो इनकम टैक्स के जो छापे चल रहे हैं उसको लेकर बड़ा बयान देके गए हैं। साथ ही आंचल के साथ